हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं एक बार उपेंद्र पांडे का इसमें, जैसा कि आप लोग को बोर्ड में यानी पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में इस बार किस प्रकार से कॉपी लिखनी है, ठीक, यहाँ पे 2022 यानी 2022 में किस प्रकार से आपका मॉडल पेपर पेपर लिखना है, ठीक, एग्ज़ाम में कॉपी लिखनी है कि यहाँ पर आप लोग को बैक नहीं लगेगी, 100% श्योर है, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वीडियो लास्ट तक देखिए और तभी आप लोग स्किप ना कीजिएगा, ठीक। यहाँ पर वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि मैकेनिकल सिक्स सेमेस्टर की सभी क्लासेस प्रॉपर आप लोग को चल रही हैं और यहाँ पे सिलेबस सारे सिलेबस सब्जेक्ट समाप्त हो चुके हैं यानी ख़त्म हो चुके हैं, ठीक। तो वहाँ पे अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक, वहाँ पे आप लोग को वॉच कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की तो मेरे कॉन्टैक्ट पर नंबर कॉल कीजिए 9721787408, ठीक, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और कांटेक्ट करने के बाद आप लोग को व्हाट्सअप कर दीजिए और पेमेंट आप लोग को, जैसा कि आप लोग को सीएनसी मशीन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और टूल इंजीनियरिंग और MMI की, सीएनसी मशीन टूल इंजीनियरिंग की कितनी है 35 रुपीज़ है, वहीं पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और MMI की कितनी है 30 रुपीज़ है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को दोनों प्राइस यानी दोनों चारों सब्जेक्ट की प्राइस पता हो गई, ठीक, वहाँ पे आप लोग जाके व्हाट्सअप कर दीजिए, व्हाट्सअप करने के बाद आप लोग पेमेंट कर दीजिए और PDF जाके पढ़ लीजिए, वहाँ पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली, PDF आपको एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ठीक। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को मैं बात करने वाला था कि एग्ज़ाम में कॉपी किस प्रकार से लिखें, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, जैसा कि आप लोग को एग्ज़ाम में जाते हैं, ठीक, तो एग्ज़ाम में जाते वक्त आप लोग को एक कॉपी मिलती है, कॉपी के मिलने के बाद फ्रंट पेज पे क्या होता है, नेम वगैरह लिखने का रहता है, ठीक, नेम वगैरह, एनरोलमेंट नंबर वगैरह और डेट वगैरह, वहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देना है कि आप लोग को यहाँ पे एक बिल्कुल मिस्टेक ना होने पाए यानी किसी प्रकार से कटौती ना होने पाए, ठीक। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, यानी आप लोग को हम कह सकते हैं एग्जामिनर सबसे पहले देखता है, तो आप लोग को जो इंट्रोडक्शन दिया गया होता है इस पर डिपेंड करता है, ठीक, यहाँ पे आप लोग किस प्रकार से भरे हैं, ठीक, इन पर डिपेंड करता है। सेकेंड पेज पर यानी जब आप लोग लिखने हैं यानी कॉपी को क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक, तो वहाँ पे पहले आपका आता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बॉर्डर मार दें, ठीक, किनारे किनारे पर, केवल आपको दो ही साइड मारनी है कॉपी पर, ठीक, ऊपर हो गया और या फिर बगल हो गया, किसी कोई कोई बच्चे क्या होता है कि तीनों साइड मार देते हैं इस टाइप में, ये बिल्कुल गलत है, ठीक। यहाँ पे एग्जामिनर समझ लेता है कि यहाँ पे आप बच्चा क्या होता है केवल कॉपी को भरना चाहता है, ठीक, तो वहाँ पे आप लोग को इसके दिमाग में बैठ जाता है कि इसे फुल मार्क्स ना दिया जाए, ठीक। नेक्स्ट आता है, अगर हम किसी भी खंड को, किसी भी पेपर को लिए, वहाँ पर तीन खंड है, का, खा, गा, ठीक, तीन खंड है, तो तीनों खंड में दो दो क्वेश्चन है मान लो, ठीक। अब वहाँ पे टॉपर लोग क्या करते हैं, एक प्रकार से हम बता दें गाइस, जैसा कि आप लोगों को का खंड किए, का पहले उठाएंगे, फिर खा उठाएंगे, फिर ग्या उठाएंगे, इससे क्या होता है अगर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो एग्जामिनर को एक प्रकार से कॉपी चेक करने में बहुत विध्वंसक ढंग से होगा और प्रभावित होकर आप लोग को दो या दो नंबर से अधिक ज़्यादा यानी क्वेश्चन जो लिखे होंगे उससे एक प्रकार से अगर तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक, तो वहाँ पर आप लोग को 4.5 नंबर या फिर 4 नंबर 100% देगा, ठीक, इन सभी इस प्रकार से अगर आप लोग कॉपी लिखते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो जैसा कि आप लोग को एक प्रकार से कोई भी टॉपिक आ गया तो वहाँ पे क्या, अगर इंग्लिश में सॉल्व करते हैं पेपर, इंग्लिश में सॉल्व करते हो तो हिंदी थोड़ा लिख दीजिए, अगर किसी भी हेडिंग को लिखते हैं, ठीक, मान लो हो सकता है उत्पादकता की स्पेलिंग लग, यानी उत्पादकता लिखे, ठीक। अब यहाँ पे उत्पादकता लिखने के बावजूद आप लोग को प्रोडक्टिविटी इसके बारे में आप लोग को हम एक प्रकार से जब इंग्लिश लिखें तो उसके ब्रेकेट में क्या होता है हिंदी लिख दें, ठीक, वहीं पे अगर आप इंग्लिश लिखते हैं यानी हिंदी लिखते हैं तो ब्रेकेट में क्या करें इंग्लिश भी लिख दें, इससे क्या होता है अगर कोई भी एग्जामिनर क्या होता है कि या ऑपरेट हो सकता है हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, इससे दिमाग में बैठ जाता है या फिर एग्जामिनर को कि हाँ बच्चा नॉलेजदार है, ठीक, इससे भी बहुत प्रभावित करता है कि एक प्रकार से नंबर देने में टीचर बहुत ज़्यादा नंबर देता है, ठीक। नेक्स्ट आता है, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन का यानी कुछ क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक, तो वहाँ पे क्या करना है कुछ ना कुछ टॉपिक तो आ ही रहा है, ठीक, ऊपर 2-3 लाइनें ऐसे सही ढंग से लिखिए, बीच में क्या होता है आप बना बना कर कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर किसी भी कारखंड यानी किसी भी खंड का क्वेश्चन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक, नहीं आ रहा है तो वहाँ पे क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक, ये UPBT का एकदम खासियत नियम है कि कहता है कि अगर आप लोग कॉपी भी लिखेंगे वहाँ पर अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर या 2 नंबर तो देके ही जाएगा, ठीक।
अगर कॉपी क्या होता है, कॉपी में छोड़ देंगे या फिर क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो उसमें क्या होता है, जीरो कुछ नंबर नहीं मिलेगा वहाँ पे। अगर एक नंबर का क्वेश्चन अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो वहाँ पे दो नंबर दो पेज तो लिखे ही सकते हैं ना कुछ ना कुछ बनाकर। उससे नहीं आ रहा तो उससे कुछ रिलेटेड तो आ रहा है ना, उसके बारे में आप लिख लीजिए। ठीक, लिखने के बाद जहाँ पे अगर आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं वहाँ पे जीरो मार्क्स लग जाता है। अगर उसी टॉपिक को कुछ ना कुछ लिख देते हैं वहाँ पे एक नंबर दो नंबर मिल जाता है तो क्या होता है, आपका नंबर बढ़ जाएगा। ठीक, इन सभी चीज़ों को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप गाइस की नियम का पालन करना है। ठीक, तो ये आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को बॉडी में कॉपी किस प्रकार से लिखनी है एकदम इजी ढंग से पता हो गया। ठीक, यहाँ पे काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है कॉपी में। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हेडिंग छोड़े, फिर हेडिंग छोड़ने के बाद क्या होता है, थोड़ा बहुत काट दिए, ऐसे चीज़ें इस प्रकार से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, इन सभी चीज़ों का पालन करना है। तो बस गाइस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और एक चीज़ मैं और चीज़ बता दूँ कि अगर आप लोग इन सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप रूल का फॉलो करते हैं वो 100% है कि आप लोग का मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आएगा। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।